थाने सरकार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं महेश मूलचंदानी। शहर के दर्शकों को हम जानकारी देना चाहते हैं कि कल हमने शहर में एक न्यूज दिखाई थी जिसमें शहर के नगर सेवक और स्थायी समिति के चेयरमैन राजेश वज्रा ने सत्ता पक्ष के पर ये इल्जाम लगाया था कि अब तक कोविड-19 के इलाज के लिए उल्लासनगर की शिवसेना सत्ताधारी पार्टी को ऊपर से यानी कि राज्य सरकार से कोई भी फंड अब तक उल्लासनगर में नहीं भेजा गया है। तमाम महानगर पालिका को 129 करोड़ की राशि मदद भेजी गई थी। इस न्यूज के बाद सत्ता पक्ष हरकत में आया और सत्ता पक्ष ने अपना रेफरेंस लगाकर सत्ताधारियों को ये कहा कि उल्लासनगर में भी फंड आना जरूरी है, तब उल्लासनगर में अच्छा इलाज मुमकिन हो पाएगा। तो आज थाने जिला के पालक मंत्री एकनाथ शिंदे और खासदार श्रीकांत शिंदे के प्रयासों से आज उल्लासनगर शहर को 7 करोड़ रुपए की राशि यानी कि 7 करोड़ रुपए का फंड कोविड-19 के इलाज के लिए भेजा गया। आइए जानते हैं क्या कहते हैं शिवसेना पार्टी के शहर जिला अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी और टीओके पार्टी के कमलेश निकम। आइए जानते हैं। राजेंद्र चौधरी साहब, उल्लासनगर महानगर पालिका को कल तक यानी कि जो 15 जून का जो आदेश आया था, उल्लासनगर महानगर पालिका को कोई भी कोविड के लिए फंड नहीं दिया गया था, तो शहर के भाजपा पार्टी ने भी इस बार को उठाया था, तो आज ये जानकारी आई है कि 7 करोड़ रुपया उल्लासनगर महानगर पालिका को आया है। किस तरह का यह प्रयास रहा शिवसेना पार्टी का, किस तरह ये आए उसकी जानकारी दीजिए। उल्लासनगर के महानगर पालिका को कोविड के माध्यम से 7 करोड़ की निधि मिली है। ये निधि मिलने वाली थी, लेकिन हमारे यहाँ के लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हो या और कोई विरोधी पक्ष के हो, वो जरा अति उत्साही है। उनको ऐसा लगता है कि वो चिल्ला रहे थे अन्याय हुआ, लेकिन मैंने रात को ही उनको बताया था कि हमारे MP जो है श्रीकांत शिंदे साहब, इन्होंने मांग की है महाराष्ट्र सरकार के पास, और महाराष्ट्र सरकार हमारी है, महाविकास आघाड़ी की है, और हम इतने कैपेबल है, हमारे MP कैपेबल है, हमारे MLA कैपेबल है कि वो हमारे उल्लासनगर महापालिका के लिए निधि लाएंगे, और वो निधि लाने का काम आज कोविड के माध्यम से हुआ है, लेकिन आगे भी ऐसा कोई शहर का विकास का काम रहेगा वो करने के लिए हम वचनबद्ध है, और वो काम हम महाविकास आघाड़ी के मुख्यमंत्री के माध्यम से, ये थाने जिला के पालक मंत्री के माध्यम से हम जरूर करेंगे। कमलेश निकम जी, कल तक हमने अपने थाने सरकार न्यूज के माध्यम से शहर को बताया था कि उल्लासनगर महानगर पालिका को राज्य सरकार के तरफ से कोई भी फंड नहीं आया है। आज अचानक राज्य सरकार के तरफ से उल्लासनगर को 7 करोड़ का फंड आया है, क्या कहेंगे इसके विषय में? देखिए, कल मैंने आपकी न्यूज देखी थी कि राज्य सरकार ने कोई अभी तक निधि दी नहीं है, पर आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कल 2 दिन पहले ही आदरणीय पालक मंत्री एकनाथ शिंदे जी ने 200 बेड के जो हॉस्पिटल है उसका खासदार साहब भी कल आके गए थे, और पूरे हॉस्पिटल का उद्घाटन जल्द करने वाले हैं, और उसकी भी हॉस्पिटल की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। और कुछ दिन पहले ही राज्य के पालक मंत्री एकनाथ शिंदे साहब और खासदार श्रीकांत शिंदे जी से ओमी कलानी जी ने मुलाकात की थी थाना जाकर, और मुलाकात में उनको हमने अवगत करवाया था कि आज उल्लासनगर शहर की दयनीय अवस्था है, उस अवस्था को देखते हुए हमको कारपोरेशन को पैसे की जरूरत है, और आज उन्होंने हमारी मांग को स्वीकार किया, और TOK की मांग पर जो हम सत्ता पक्ष में बैठे हुए शिवसेना RPI टीम ओमी कलानी सभी पक्षों ने उनसे आग्रह किया था कि 7 करोड़ रुपए आदरणीय पालक मंत्री एकनाथ शिंदे जी ने और खासदार श्रीकांत शिंदे जी ने दिए। मैं उनका पहले तो अभिनंदन करता हूँ कि बहुत कठिन स्थिति पर महानगर पालिका में 7 करोड़ रुपए भेजे हैं, पर मैं इसकी भी आज जो 7 करोड़ रुपए महानगर पालिका के कारपोरेशन में आए हुए हैं, मैं संबंधित अधिकारी कारपोरेशन के कमिश्नर हम सबसे मांग करते कि वो 7 करोड़ रुपए बहुत ही अच्छे तरीके से यूज की जाए, कहां पर भी भ्रष्टाचार उसमें लगा तो TOK उसके खिलाफ आंदोलन करेगी, उसकी आवाज उठाएगी कि 7 करोड़ में भी एकदम अच्छे तरीके से लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए।